हम लोग को इसमें अगला अंडरस्टैंडिंग लेना है। कार से गए सनम प्रदेश में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, और इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है? मैंने आपको क्या बताया है? मैजिक नंबर बताया है। मैजिक नंबर के थ्रू आप इनका एटॉमिक नंबर आसानी से याद रख सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर यू कैन रिमेम्बर द एटॉमिक नंबर इजिली। आसानी से आप एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। सो मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32। नाउ ऐड कैसे करना है वो भी तरीका बताया मैंने। 6 + 8, 14। देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आ गया। 14 + 8 नहीं ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 14 + 18। क्यों? देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3। एफ ब्लॉक के 10 एलिमेंट आते हैं। डी 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 तो डी डी ब्लॉक के 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी विल नॉट ऐड 8 बट वी विल ऐड 18। 18th एलिमेंट है जर्मेनियम। सो 18 + 14, तो ये किस में होता है ऐसा झंझट? मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक में, फोर्थ पीरियड में, राइट? पी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड में ऐसा प्रॉब्लम है। हम लोग को समझ के रखना है कि पी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड में हम लोग को याद रखना है 8 ऐड नहीं करना है, 18 ऐड करना है। ये मैंने बार बार आपको बताया है, बार बार समझाया है। तो नेमोनिक्स याद रखिए, आसानी से आपको एटमिक नंबर याद होगा। नेमोनिक्स एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कार से गए सनम परदेश। कार इज फॉर कार्बन, से इज फॉर सिलिकॉन, गए इज फॉर जर्मेनियम, सनम इज फॉर टिन, परदेश इज लेड। कार से गए सनम परदेश। ओके नाउ नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। आगे कहानी क्या है? न्यूजीलैंड, ये नेमोनिक्स हमारा है निक्टोजेंस का। किसका नेमोनिक्स है? सो दिस इज निक्टोजन। इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं बच्चों, या इसको निक्टोजन भी। नाउ मैंने इसका रीजनिंग बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। निक्टोजन को निक्टोजन क्यों बोला जाता है? व्हाई इट इज टर्म्ड एज निक्टोजन? जल्दी से बताएंगे बच्चों, इसको निक्टोजन नाम क्यों पड़ा? व्हाई द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज निक्टोजन? जल्दी जल्दी बच्चों, इसका नाम निक्टोजन क्यों पड़ा है? सो निक्टोजन का स्पेलिंग अगर आप देखें तो PNICTOGEN से है, निक्टोजन। नाउ निक्टोजेंस का खासियत है कि ये क्या करते हैं बच्चों, कुछ बच्चों ने लिखा भी है। यस यस वेरी गुड। निक्टोजन केम फ्रॉम द वर्ड नीजन। निक्टोजन जो है वो एक वर्ड से आया हुआ है, ऑप्टेन हुआ हुआ है नीजन से। नाउ व्हाट इज दिस नीजन? नीजन का मतलब, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, नीजन जो है उस वर्ड का मतलब है टू चोक। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी का गला दा दिया जाए, हाँ मान लीजिए किसी के गले को दाब रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो उसको कैसे चोकिंग सेंसेशन होता है, वैसे ही नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है बच्चों, चोकिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है अगर उसको डायरेक्टली इनहेल कर लिया जाए तो। ठीक है, अब एक डाउट आता है कि सर हमारा नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन तो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में है, सबसे ज्यादा तो वही है, तो हम लोग उसको इनहेल नहीं कर रहे क्या? नहीं, उसको हम इनहेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन है तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि हम लोग को डायरेक्टली इनहेल हो जाए नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन हम लोग को क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? चोकिंग सेंसेशन देगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज, इसलिए बच्चों उसको नीजन के नाम से, सॉरी निक्टोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, व्हाई इट इज टर्म्ड एज निक्टोजन, इसको निक्टोजन नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, ओके। सो निक्टोजन कहाँ से ऑप्टेन हुआ है? निक्टोजन हैज ऑप्टेन फ्रॉम द वर्ड नीजन, एंड नीजन जो है बेसिकली अगर देखें तो नीजन का मतलब होता है टू चोक, एंड दैट्स व्हाई हम लोग को ये समझ के रख देना है कि ये जो ग्रुप 15 का जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली,
वो उसका मॉलिकुलर नाइट्रोजन, जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो अगर हम उसको इनहेल कर ले तो क्या होगा बच्चों, वो हमको चोकिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं लौड़ रहा है, ऑक्सीजन है ही नहीं वहां, तो उस केस में हम लोग को वो चोकिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज निक्टोजन। ओ, मितान का कहना है कि एक बार ऐसे ही उसके लैब में ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने नाइट्रोजन सूंघ लिया गलती से, एंड वो 1 वीक तक स्कूल नहीं आ पाया था। सोचो कितना उसको ट्रॉमा में चला गया होगा, राइट? ही माइट हैव वेंट इनटू अ ट्रॉमा। नेक्स्ट, अब अगला फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, हम लोग को इस ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी कैसे याद रखना है वो भी सीखना है। So, हम सबको पता है हमारा मैजिक नंबर, बार बार मैजिक नंबर यूज कीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। सो बच्चों, मैजिक नंबर तो आसान है याद रखना, दैट इज 2, 8, 8, 18। सॉरी बच्चों, बीच में नेट गया था, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं बता रहा था नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर्स के बारे में। मैंने उसका जो फैमिली है उसका नाम निक्टोजन क्यों पड़ा वो आपको पहले समझाया, फिर हम लोगों ने इसके निमोनिक्स को भी देख लिया है। न्यूजीलैंड नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, पाकिस्तान इज फॉर फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया आर्सनिक, सब एंटीमोनी, बेईमान बिस्मत, ठीक है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, न्यूजीलैंड नाइट्रोजन, पाकिस्तान फॉस्फोरस, आर्सनिक एस जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सब एंटीमोनी, बेईमान इज बिस्मुथ। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। निखिल ने एक और नया अच्छा दिया है, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, रहने दो, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। निखिल का कहना है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। वैसे मुझे ये भी अच्छा लगता है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, दिस इज आल्सो गुड, ठीक है। सो न्यूजीलैंड स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पाकिस्तान फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया आर्सनिक, सब एंटीमोनी एंड बेईमान। सो बेईमान इज बिस्मत, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नाउ एटॉमिक नंबर हम लोग फटाफट अपना जो मैजिक नंबर है उससे कैलकुलेट कर लेंगे। मैजिक नंबर आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, जो आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से। नाउ पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो हमको याद रहता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का 7 + 8 = 15, 15 + 8 = 15 + 8 करेंगे कि 18, तो हम लोग को समझना है कि हमारा पी ब्लॉक फोर्थ पीरियड, पी ब्लॉक फोर्थ पीरियड में 18 ऐड करेंगे ना कि 8, पी ब्लॉक फोर्थ पीरियड में 18 ऐड करेंगे ना कि 8। सो इस तरह से 15 + 18 = 33 होता है, 33 + 18 = 51 होता है, 51 + 32 = 83। तो जस्ट नेमोनिक्स याद रखना है, मैजिक नंबर याद रखना है, काम होगा। नेमोनिक्स, मैजिक नंबर, इजीली आप इस सब चीज को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इजीली लर्न दिस, ओके। सो आई होप आप सबको ये समझा है, नेमोनिक ना और मैजिक नंबर। नाउ अब बात करते हैं अगले ग्रुप को। अगला जो ग्रुप है बच्चों, दैट इज टर्म्ड एज चालकोजेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चालकोजेन के नाम से जानते हैं। नाउ चालकोजेन जो है उनका बेसिकली, चालकोजेन का मीनिंग, चालकोजेन ये ऑक्सीजन फैमिली को चालकोजेन क्यों बोलते हैं, व्हाई ऑक्सीजन फैमिली इज टर्म्ड एज चालकोजेन,
राइट। सो इसमें हम लोग को समझ लेना है कि चालकोजन वर्ड वो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चों? इट इज यूज्ड फॉर ओर फॉर्मिंग, और ओर फॉर्मिंग एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर। सो आपको चालकोजन का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कहीं लिख लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चालकोजन क्यों बोलते हैं इसको? सो एक जस्ट अ मोमेंट, तो लिख लीजिए। जब तक खुल ओपन हो रहा है ये, मैं तब तक आप लोगों को लिखवा देता हूँ। चालकोजन और द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, है ना, इनको चालकोजेन बोला जाता है बिकॉज दे फॉर्म ओ दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप नेचर में देखिए तो आपको सल्फाइड का ओर मिलता है, ऑक्साइड का ओर मिलता है, तो अलग अलग जो मेटल्स हैं अपने वो किसके ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स, इनके ओर्स के फॉर्म में इनका प्रेजेंस हम लोग को देखने मिलता है। सो चालकोजेन इनका नाम क्यों पड़ा है? चालकोजन बोलते हैं या और द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स विच फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। सो दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स विच फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज चाल। तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ओर्स ऑफ ऑक्साइड्स, ओर ऑफ सल्फाइड। आगे फ्यूचर में हम लोग को 12th में एक चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारे ओर्स देखने वाले हैं, एंड इवन आपको एक चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड मेटल्स नॉन मेटल, उसमें भी ओर्स का डिस्कशन आया था। राइट बच्चों, ओर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स से बेसिकली मिनरल्स जो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से मेटल्स दे सकते हैं उनको ओर बोलते हैं, और ओर वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा परसेंटेज में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों हम लोग को समझ के रखना है चालकोजेन क्या हो गए। तो चालकोजेन जो है वो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं विच फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, लंबे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज चालकोजेन। ओके, सो ये हमको समझ के रखना है, ध्यान में रखना है। ओके सो ये फटाफट लिख लेंगे बच्चों, जल्दी से जल्दी लिख लेंगे इस चीज को, अगर किसी का रह गया हो तो ठीक है, अगर ये हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। अब इसके लिए नेमोनिक्स क्या बनाया है? इसके लिए कुछ स्पेशल नेमोनिक्स नहीं है बच्चों, इसके एलिमेंट्स को ही लेके बना दिया हम लोगों ने, इनके एलिमेंट्स को लेके ही बना दिया है। वैसे निखिल ने एक नेमोनिक्स दिया, अच्छा, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो निखिल का नेमोनिक्स है ओए, ध्यान से देखिए उसका, अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। ठीक है, मैंने क्या बनाया था, मैंने एक सिंपल सा बनाया था, उस से टेपो। अब ये टेपो वर्ड का मतलब होता है चीटिंग जो करते हैं ना, टेपना, सो टेपो, उस से टेपो, आराम से सारे एलिमेंट सामने सामने आ जाते हैं, है ना, उस ओ एस उस से टेपो, या अगर निखिल का आपको पसंद है ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं,
उस से टेपो यूज कीजिए, या ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रुप 16 है, चालकोजेंस फैमिली का नाम है, या ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं बहुत बार। नाउ इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ओए फॉर या उससे टेपू में, ओ उससे, तो उसके लिए क्या क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, से इज फॉर सेलेनियम, टे इज फॉर टेल्यूरियम, पो इज फॉर पोलोनियम। तो उससे टेपो, या ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू, इसमें से जो आपको पसंद आए दोनों में से कोई सा भी यूज करके आप इस ग्रुप को याद रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उससे टेपो या ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। सो प्लीज आप नेमोनिक्स जरूर से लिखिए बच्चों, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नेमोनिक्स लिखेंगे तो एलिमेंट्स याद रहेगा, एलिमेंट्स याद रहेगा तो एटॉमिक नंबर याद रहेगा, नहीं तो सब गड़बड़ होगा, ठीक है? इसलिए नेमोनिक्स लिखना बहुत जरूरी है। चलिए अब एटॉमिक नंबर तो सिंपल है, 8 + 8 16, 16 + 18, क्योंकि अब हम लोग को समझ में आ गया है। अगर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो हमको कितना ऐड करना है? हाउ मच वी नीड टू ऐड? वी नीड टू ऐड 18। हम लोगों को कितना ऐड करने की आवश्यकता है बच्चों? हम लोग को 18 ऐड करने की आवश्यकता है फोर्थ पीरियड एलिमेंट के लिए, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोगों ने फोर्थ पीरियड एलिमेंट के लिए कितना ऐड किया है? 18 हम लोग को ऐड करके रखना है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52, एंड 52 + 32 इज 84। तो इस तरह से हमारा एटॉमिक नंबर 84 तक पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसेटाइन। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, है ना? सो नेमोनिक्स सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट नेमोनिक्स में क्यों नहीं लेते? लेते हैं ना। अच्छा, सेवेंथ पीरियड्स के एलिमेंट, सेवेंथ पीरियड्स के एलिमेंट रिसेंटली फाइंड हुए हैं, सही। एंड ये जो नेमोनिक्स है, नहीं, ये सदियों पहले के हैं। हम लोग भी यही नेमोनिक्स पढ़े थे, तो वही आपको भी बता रहे हैं। ये नेमोनिक्स ही हम लोग भी पढ़े थे, तो वही सेम नेमोनिक्स हम लोग आपको भी बता रहे हैं। एंड ये नेमोनिक्स बहुत पुराने हैं, एंड दैट्स वाई हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सॉल्ट जनरेटर, हैलो, हैलोजन का मतलब क्या है? तो दे आर हैलोजन्स। नाउ व्हाई दे आर टर्म्ड एज हैलोजन? हैलो मीन्स सॉल्ट, दो वर्ड से बने हुए, हैलो एंड जन। तो हैलो मीन्स सॉल्ट, जो सॉल्ट को जनरेट करे उसको हम क्या बोलेंगे? हैलो जेन। हैलो मतलब सॉल्ट एंड जेन मतलब जेनरेटर्स। तो जो सॉल्ट को जनरेट करता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं बच्चों? दैट विल बी टर्म्ड एज हैलोजन। ओके ना बच्चों, तो इसके नेमोनिक्स क्या है? है ना? सो फर्स्ट फ्लोरीन, फर्स्ट फॉर फ्लोरीन, क्लास फॉर क्लोरीन, बिरयानी इज फॉर ब्रोमीन, आई इज फॉर आयोडीन एंड एट इज फॉर एसिटाइन। सो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लास बिरयानी आई 8, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन। सो दिस होल थिंग इज फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। अब इसके एटॉमिक नंबर को देख लेना है। तो फर्स्ट जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9, तो 9 + 8 देखिए कौन सा एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का? 17, 17। अब फोर्थ पीरियड आ गया इसलिए 8 नहीं ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। 17 + 18 35, 35 + 18 43, 43 + 35 + 18 53, एंड 53 + 32 इज 85। तो इस तरह से बच्चों हम लोग मैजिक नंबर के थ्रू, अगर हमको नेमोनिक्स याद है तो हम आसानी से इस ग्रुप के हैलोजन फैमिली के कौन कौन से एलिमेंट, फर्स्ट फ्लोरीन, क्लास क्लोरीन, बिरयानी ब्रोमीन, आई आयोडीन, एट एसिटाइन, इनको याद रख सकते हैं, इनको ध्यान में रख सकते हैं। नाउ अब जो हमारा ग्रुप है लास्ट ग्रुप, उसकी बात करते हैं। लास्ट ग्रुप
बात करते हैं फटाफट। लास्ट ग्रुप हमको याद होना ही चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोबल गैसेस, क्योंकि इनको यहीं पे यूज नहीं करना है, बहुत जगहों पे ये नोबल गैसेस यूज होने वाले। वी आर गोइंग टू यूज दिस नोबल गैसेस एट नंबर ऑफ अदर प्लेसेस, इसलिए ये नोबल गैसेस तो हम लोग को याद होने ही चाहिए। नाउ ये नोबल गैसेस कौन कौन से हैं? हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, ये याद रखना है। सो हरभजन इज फॉर हीलियम, ने इज फॉर नियॉन, आर्नोल्ड इज फॉर आर्गॉन, को इज फॉर 0 इज फॉर ज़ेनॉन, रन इज फॉर रेडॉन, आउट किया। अब ये ओजी के लिए नहीं बनाया गया था आउट किया, वो ऐसे ही कंप्लीट किया है नेमोनिक्स को। तो हम लोग ने ये एलिमेंट्स के लिए अभी तक नहीं बनाया बनाया 104 से लेके 118 तक भी नेमोनिक्स नहीं बनाया है, ये हम लोग देखेंगे। अभी इसका खास जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग को उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, इस तरह से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। हरभजन फॉर हीलियम, ने इस फॉर नियॉन, हरभजन ने आर्नोल्ड, आर्नोल्ड इज फॉर आर्गॉन, 0 इज फॉर ज़ेनॉन, रन इज फॉर रेडॉन, है ना। सो हरभजन ने आर्नोल्ड को इज फॉर क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। सो हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, जरूर से लिख लीजिए। मैं निमोनिक्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हरभजन ने, है ना, आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया। ओके, सो दिस इज द नमोनिक्स, ये ध्यान में रखना है। ये कौन सा फैमिली है? नोबल गैस है, जीरोथ फैमिली है। सो हरभजन का एटॉमिक नंबर है 2, ने फॉर 2 + 8 10, 10 + 8 18। नाउ कोई बोलेगा सर अब आपने 8 ऐड किया, क्योंकि हम लोग अभी तक फोर्थ पीरियड नहीं आए हैं, थर्ड पीरियड में ही है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम फर्स्ट पीरियड से ही स्टार्ट होता है, और जगह एलिमेंट्स किस पीरियड से स्टार्ट हो रहे थे? सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे हीलियम जो है वो हमारा फर्स्ट पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। सो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम इज फॉर एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 8, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54, रेडॉन एटॉमिक नंबर 86। जोड़ के देख लीजिए, पहले 2 मैजिक नंबर क्या क्या है बच्चों, मैजिक नंबर एक बार लिख देते हैं फटाफट। सो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। सो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 is 86। इस तरह से हम लोग नेमोनिक्स याद रखेंगे। हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, हाथ पे नियॉन, आर्नोल्ड से हरभजन ने आर्नोल्ड को, सो आर्नोल्ड इज आर्गॉन, आर्नोल्ड को इज फॉर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, 0 इज फॉर ज़ेनॉन, रन इज फॉर रेडॉन, आउट किया। हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, 3 बार तो मैंने ही बोल दिया, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हरभजन हीलियम एटमिक नंबर 2, नियॉन 2 + 8 10, हरभजन ने 10 + 8 18, हरभजन ने आर्नोल्ड आर्गॉन 10, 18 + 18 36, हरभजन ने आर्नोल्ड को क्रिप्टॉन। फिर पीरियोडिक टेबल देखते जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूं आप पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको गौर से देखना है, लिखते जाइए आपको याद हो जाएगा। को 0, सो 36 + 18 54, 0 इज फॉर ज़ेनॉन, रन रेडॉन, आउट किया, ठीक है। सो हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54 एंड 54 + 32 is 86। इस तरह से हम लोग आसानी से नेमोनिक्स याद रख सकते हैं, हमारा जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर याद रह सकता है। नाउ जनरली हमको 21 to 30 सारे एलिमेंट्स याद रखते हैं, 21 to 30 हमको सारे एलिमेंट्स याद रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाकी जो
21 to 30 बोल रहा हूँ, 1 to 20 सबको याद रहता है, 21 to 30 भी हमको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? 21 to 30 अगर याद रखेंगे तो डी ब्लॉक पूरा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा तो वो देखते हैं। अब बारी आती है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ बच्चों मैंने रीजनिंग बताया है कि इनको डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, जो इनके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो N-1d में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? N-1d में इंटर करता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है बच्चों। सो ये N-1d में एग्जिस्ट करता है, N-1d में रहता है, एंड इसी रीजन से इनको डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नाउ सुनिएगा ध्यान से। सो यहाँ पे 21 टू 30 कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। नाउ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो किस प्रकार से है वो भी हम लोग को देख लेना है बच्चों। सो स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है। अब हम लोग को उसमें 18 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, दैट इज यट्रियम। नाउ नीचे के एलिमेंट नहीं दिए बच्चों, एटॉमिक नंबर 57 वाला भी यही रहता है, एंड स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथियम एंड एक्टिनियम। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है? तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है 3D सीरीज में। तो इनको बच्चों इनके अलग अलग नाम भी है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आसान है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सोचना है, समझना है। जो फोर्थ पीरियड में है उसमें N-1d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पीरियडिक टेबल का प्रॉपर्टी जब फॉर्मूला लिखाया था तो वहां आप चेक कीजिए मैंने N-1d लिखाया है। एक बार चेक कीजिए बच्चों जल्दी जल्दी, फॉर्मूला ऑफ पीरियडिक टेबल मैंने आपको लिखाया था NS0, फिर N-1d, फिर N-2f, फिर NP, इस तरह से लिखाया था। मतलब अगर मेरा N, अगर मेरा पीरियड फोर्थ पीरियड है तो मैं किस D सबशेल को यूज करने वाला हूं, कौन से D सबशेल में मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा? मेरा इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में जाएगा। ये कितने लोगों को नहीं समझा, मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मेरा ठीक है आदर्श, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर मेरा पीरियड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, n का जो वैल्यू है, जो हमको पीरियड बताता है, वो उसका वैल्यू अगर 4 है, हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्थ पीरियड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में कहाँ इंटर करेगा? सो फोर्थ पीरियड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में 3D में इंटर करेगा। कहाँ इंटर करेगा? इट विल इंटर इनटू 3D सबशेल। वो कहाँ इंटर करेगा बच्चों? इट विल इंटर इनटू 3D सबशेल। तो यहाँ पे याद कैसे रखना है, इस 3D, तो इसका नाम हो गया 3D सीरीज, इसका नाम हो गया 4D सीरीज, इसका नाम हो गया 5D सीरीज, और ये जो नया सीरीज बनेगा उसको 6D सीरीज बोलते हैं बच्चों। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब इसको आप कैसे लिखिएगा, हाउ यू विल बी एबल टू राइट? तो जब हम लोग नेमोनिक्स देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तब आपको ये बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए लिखना कैसे, अभी लिखने की जरूरत नहीं। अभी आप सिर्फ समझ के रखिए कि इसका नाम 3D सीरीज क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है बच्चों? 3D सबशेल में इंटर करता है, इसलिए इसको 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज 3D सीरीज। वहीं पे फिफ्थ पीरियड का जो एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड के डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करते हैं? वो 5D में इंटर करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D में जाता है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज 5D सीरीज। सोचिए क्यों जा रहा है, क्यों ऐसे समझ में कैसे आएगा ये चीज? यहां से समझ में आएगा।
है ना, हम लोगों को समझना है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को एन माइनस वन डी में फिल करते हैं, कहाँ फिल करते हैं बच्चों, एन माइनस वन डी में फिल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज, इसलिए इनको हम डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, अगर पीरियड फोर है तो एन माइनस वन डी दैट इज फोर माइनस वन डी दैट इज थ्री डी सीरीज के नाम से बोलेंगे, फिफ्थ पीरियड का जो सीरीज होगा वो 4D सीरीज होगा, सिक्स्थ पीरियड का जो सीरीज होगा वो 5D सीरीज होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से चीजों को ध्यान में रखना है, ये समझ के रखना है, सो आई होप आप सबको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गया है, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तो जरूर से बताएंगे, अदरवाइज हम लोग बच्चों आज का जो अंडरस्टैंडिंग है 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज का वो यहीं रहने देते हैं और हम लोग कल फर्दर इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज किसी को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नेमोनिक्स में या एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है उसमें कोई परेशानी है तो एक बार नेमोनिक्स में रिपीट कर देता हूं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक का, हेलीना ने की रब से फरियाद, बेगम का सरबरा या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट, बैगन आलू गाजर इन थैला, कार से गए सनम प्रदेश, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, और उससे टेपो, या इसने क्या बताया था, क्या रह गया, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, हैं, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, नहीं तो किसी बच्चे ने एक बार बताया, उसने बताया फेमस चिकन बिरयानी इन आंध्रा, ओके, फेमस चिकन बिरयानी इन आंध्रा या फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, आपको जो अच्छा लगे। हरभजन ने आर्नोल्ड को 0 रन पे आउट किया, लिख जरूर से लीजिएगा बच्चों, मिस कीजिएगा आपका लॉस होगा, ठीक है, मैं 50 बार इस चीज को दोहराया हूं इसलिए मिस मत कीजिएगा, किसी का रह गया है तो बताइए कौन सा रह गया है, वो मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो कल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक लर्न करके कल खत्म करेंगे ये कहानी, टुमारो वी आर गोइंग टू सी डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेशन यही एंड करते हैं, किन्हीं को डाउट है तो लास्ट टाइम दोबारा पूछ रहा हूँ, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन हियर इटसेल्फ, थैंक यू। हाँ बोलिए, कोई कुछ बता रहा था, ठीक, चलिए हो सकता है बोल रहे हो डाउट नहीं है तो हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेशन यही एंड करेंगे। फिजिक्स है ना, अभी फिजिक्स है ना बच्चों? यस सर। ओके अनुज, तुझे होस्ट बना दे रहा हूँ, सर को ट्रांसफर कर देना।
एफ बैच? यस सर। अनुज वो साउंड को ऑफ बस कर दे और स्पॉटलाइट पे लगा दे वीडियो, मुझको को-होस्ट बना के लैपटॉप को। सर वो साउंड किधर से बंद करते? क्या बोल रहा अनुज? साउंड किधर से बंद करते? सेटिंग्स में जा, सेटिंग्स में जाके फिफ्थ या सिक्स्थ नंबर पे आएगा म्यूट साउंड, ये एंट्री म्यूट वाइल एंट्री, या जो सॉरी म्यूट वाइल एंट्री नहीं, अपना प्ले साउंड ऑन एंट्री, उसको ऑफ कर दे। इधर को सेटिंग का ऑप्शन नहीं है इधर? एक काम करना फिर मुझको होस्ट बना दे, मेरा जो ये चालू है ना मोबाइल उसको होस्ट बना दे, मैं कर देता। जस्ट अ सेकंड आई डू एवरीथिंग। ओके तो चलो अभी हो गया है, स्पॉटलाइट डन, साउंड ऑफ, लेट्स बिगिन। आज हमको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? आई थिंक लास्ट टाइम पे हम लोग क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का कहां तक हुआ था बच्चों लास्ट टाइम पे, प्लीज बताओ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू वॉज डन, न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था हम लोगों ने, न्यूमेरिकल में कहां तक पहुंचे थे बच्चों प्लीज टेल मी, कहां तक हुआ था न्यूमेरिकल? एनीवन याद है किसी को कहां तक हुआ था न्यूमेरिकल हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 1 2 3 4 कहां तक हुआ था? नो वन, कोई आइडिया नहीं? Look into your notes class, notes में देखो। MCQs हो गए थे। MCQs हो गए थे। Numericals नहीं start किया था तुमने आदर्श? नहीं सर, give results start करने को। एक भी नहीं हुआ था क्या? नहीं। ठीक है। Okay, शायद आप लोग को लग रहा है start नहीं हुआ था numericals, ठीक है चलेगा, no problem class, हुआ भी रहेगा तो क्या जाएगा अपना, nothing to worry about as such. हम लोगों ने ये किया था क्या क्लास, सेकंड का फर्स्ट हुआ था क्या, गिव रीजंस या शॉर्ट आंसर उसमें फर्स्ट वाला? यस सर। हां आई थिंक ड्रिफ्ट स्पीड वाला भी किया था अपन ने सेकंड वाला भी किया था वापस से, वो ड्रिफ्ट स्पीड वाला हुआ था, ड्रिफ्ट स्पीड वाला हुआ था, राइट है। फिर आंसर द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक, तो ये इस पे बात किया था हम लोग ने, ओमिक नॉन ओमिक का पूरा डिटेल में बात किया था, ओबे डज नॉट ओबे, हाँ ये भी हुआ था क्योंकि हमने एग्जांपल्स भी बता दिया था, ओमिक वाले में मेटालिक होता है, मेटालिक वायर्स एंड नॉन ओमिक में इलेक्ट्रोलाइट्स वैक्यूम ट्यूब्स एंड ऑल दैट, ये भी हुआ था, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज रिमेन्स सेम एंड विच विल नॉट रिमेन सेम, यस दिस वाज डन। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स, लेट्स बिगिन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर क्लास। What is the resistance of one of the rails of a railway track 20 km long at 20 degree Celsius? आपको resistance निकालने का उसका temperature पे,
The cross section area of rail is this much. The rail is made of steel having resistivity. Which formula do we have to use over here, class? Yes, class. Which formula do you think we have to use? Yes, anyone? Kaun sa formula lagega? What is the resistance of one of the rails of a railway track 20 kilometer long? आपके पास गिवन डेटा लिखने का कि क्या क्या दिया है. लेंथ दिया है सबसे पहले, लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक दिया है. L इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, नॉट अ गुड यूनिट. अल्फा वाला सही बोल रही है. रेजिस्टेंस दो चीजों वाला लॉजिक, एक्चुअली तीन चार चीजें हो सकती है रेजिस्टेंस निकालने के लिए. एक होता है आर का फॉर्मूला, वी बाय आई, वोल्टेज और करंट तो दिया नहीं, वो गया. दूसरा रेजिस्टेंस निकालने का एक्चुअली और भी मेथड्स है. यहाँ पे कौन सा है प्लीज सोचो, गिवन डेटा देख के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे. बच्चों लेंथ दी है 20 किलोमीटर, तो किलोमीटर को बनाने कैसे बनाते हैं? इनटू 10^3 में इसको 2 × 10^4 भी लिख सकता हूँ अपनी मर्जी. Resistivity is equal to rho L by. Right, right, good. This is the formula that they have to use. सही बेटा, अल्फा वाला सीन नहीं यूज करने क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिया तुझे. अगर वो दिया रहता ना तो वो लगा रहता. R2 is equal to R1 into 1 plus alpha into delta T. क्यों कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि इनका टेम्परेचर एक कंफ्यूजिंग टर्म दिया था. एक्स्ट्रा टर्म है वो, इसकी जरूरत नहीं है. हाँ एग्जैक्टली बोला, कंफ्यूज करवाते अपने को. भावेश माइक म्यूट कर दो बेटा. बहुत बार ये लोग अपने को कंफ्यूज भी करवा देते बिकॉज उन लोग अपने को टेम्परेचर दे दिया था. भावेश बेटा माइक म्यूट कर दे बेटा. सही, इस प्रॉब्लम में टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है. प्रियांशु बोल रहे मेरा सिग्नल लो है. जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक. एक्चुअली मेरा सिग्नल तो मजबूत है बट बीच बीच में इश्यू शायद हो सकता है. अच्छा वीडियो स्टॉप हो रहा है. हाँ हो सकता है बीच बीच में प्रॉब्लम, लास्ट लेक्चर में भी हुआ था. भावेश बेटा आवाज आ रही है? माइक म्यूट कर दे बेटा. भावेश कैन यू हियर मी? नहीं नहीं, बिकॉज एक्चुअली क्या हो रहा है कि सम अनवांटेड लोग भी आ जा रहे हैं अभी आजकल. हम लोग ये नोटिस भी कर रहे हैं, बाकी लेक्चर्स में भी हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइज होता है क्रिएट. तो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है. तो अगर फैकल्टी ने बोला है म्यूट, इमीडिएटली म्यूट, ठीक है. चलो अभी हम लोग का सवाल देखो बच्चों. यहाँ पे सवाल में आपको कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने दिया है टेम्परेचर. जरूरत नहीं था उसका बट उन लोग ने तो भी दे दिया, टेम्परेचर दे दिया. बट कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर भी कर सकते. टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. और दूसरा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया डायरेक्टली दिया है. क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लास मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आएगा बच्चों बोलो? मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आएगा? 25 × 10⁻⁴ m² -4. प्रियांशु वीडियो स्मॉल हो गया ना? राइट राइट, मेरे लैपटॉप पे भी ऐसा हो जा रहा है. वीडियो बीच बीच में स्मॉल हो जा रहा है, मतलब कि नेटवर्क स्लो हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है. डिपेंड करता है कि किसका रीजन रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली अपने एंड से रहता है तो शायद आपके एंड से हो सकता है. तो 25 × 10⁻⁴ m², ठीक है बच्चों. नाउ देखो, देखते रहने का, गिवन डेटा पे फोकस रखने का. ऐसा कोई टर्म आता है जिसका मजबूत फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे देखो लेंथ का नो फॉर्मूला. इसमें से किसी का भी फॉर्मूला नहीं है तो ये नहीं काम आएगा. आगे बढ़ते गिवन डेटा पे देखते जाने का. द रेल इज मेड ऑफ स्टील हैविंग रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है.
तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपने को पता है, तो R is equals to rho L by A. बराबर 6×10⁻¹ ओम मीटर. Please don't forget the unit by the way, ठीक है? तो बच्चों हमको रेजिस्टिविटी मिल गया, खटाक से फॉर्मूला याद आया, एकदम जल्दी से सॉल्व करना है. गिवन लिखने का, टू फाइंड लिखने का. अभी क्लास में आपको नोटबुक सिखाया है. Everyone try to use the logbook, ठीक है? बहुत फायदा होगा उससे, स्पीड इंक्रीज होगा बाद में लॉग का. अभी डिफिकल्ट होगा, अभी टाइम ज्यादा जाएगा, बट जाने दो टाइम, अपने पास टाइम ही टाइम है. बाकी बैचेस का वैसे भी मैंने उनको लॉगबुक अब तक सिखाया, आप लोग का हो गया. तो टू फाइंड करना है हमको, टू फाइंड हमको यहाँ पे करना है रेजिस्टेंस. आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अनुज आ गया क्या आंसर? ओके, प्लीज ट्राई टू डू इट यूजिंग लॉगबुक बाय द वे क्लास, ठीक है? लेट्स सी हाउ टू डू अकॉर्डिंग टू लॉगबुक. सॉल्यूशन, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. रो इज हाउ मच? 6×10⁻¹. L is how much? 20. So 2×10⁴ by area. 25×10⁻¹. Now 6×2 = 12 by 25 into यहाँ पे -4 ऊपर जाके +4. तो यहाँ पे 10⁻¹ as it is, 10⁻¹ as it is, नीचे का 10⁻⁴ ऊपर जाके वापस से 10⁻⁴ हो जाता है. ये -8 as it is, +4 will be +8, 10⁻⁸ और 10⁻+8 gets cancelled, you will get 12/25. Now here you don't have to use the logbook, क्योंकि नंबर आसान है, तो बिना लॉगबुक के आंसर निकालने का. कैसे? 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे डेसिमल आएगा. अगर टेंशन है ना तो अलग से जीरो दे दो, टेंशन नहीं लेने का. ये 12 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो मैं क्या करता, 120 बना देता अपॉन 25×10. क्या जाता अपना, क्या जाता अपना, अपने ऊपर 10 दिया नीचे 10 दिया. अभी 5×5 = 25, 5×2 = 10, 11×12 2 बचा, 20 हो गया, 5×4 = 20, अभी कितना है 24/5 आया. एक काम करो, ये भी डिवाइड हो रहा और एक जीरो दे दो, क्या जाता है अपना, अपना क्या जा रहा है, तो इसको और एक जीरो दे दो, 240. तो नीचे भी और एक जीरो देना पड़ेगा, तो पहले से 10 था अब हो जाएगा 100. एडजस्टमेंट्स जस्ट टू कैंसल देम प्रॉपरली, एडजस्टमेंट्स. अभी 240 को 5 से डिवाइड कर दो, अब आसानी से डिवाइड होगा, 5×4 = 20, 4 बचा 40 हो जाएगा, 5×8 = 40 डिवाइड बाय 100, 48/100 0.48. दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज हाउ यू हैव टू मॉडिफाई द नंबर जस्ट टू गेट द आंसर इजिली. जिनको डायरेक्ट आता है वो लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि 25×0 कर देने का 120 आएगा, 25×4 = 100 होता है, ठीक है? 25×0 कर देने का 120 हो जाएगा, और 25×4 = 100 होता है, यहाँ पे 20 बचेगा और एक जीरो आ जाएगा, 200 हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल दिया, और 25×8 = 200, तो 0.48 डायरेक्टली भी आता है. इनको डायरेक्टली नहीं आता है, मैंने एडजस्टमेंट सिखा दिया, आप एडजस्टमेंट जा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. क्लास किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं रहेगा तो आगे बढ़ता हूँ, डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो. नो नो डाउट, चलो देन लेट्स मूव अहेड बच्चों. सेकंड क्वेश्चन, अ बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 24 वोल्टेज. एक बैटरी का ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है उसका, बाय द वे ई पता है, स्मॉल आर मालूम है. कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट मैक्सिमम. क्लास अपन ने एक्चुअली किया है, किए अपने सम्स कुछ कुछ, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं. चलो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन, गिवन डेटा लिखो. ईएमएफ ई इज इक्वल टू 24 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू 380 ओम. आपको निकालने क्या क्या है, दो क्वेश्चन है इसमें, टू फाइंड दो सवाल है. क्लास हो सकता है नेटवर्क का फेस, नेटवर्क इशू हो सकता होगा आप लोगों को शायद, क्योंकि मेरे लैपटॉप हो रहा है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम. नो सर. अच्छा प्रियांशु, हाँ बिकॉज मैं यहाँ पे लैपटॉप को कनेक्ट किया हूँ और मेरा लैपटॉप भी मुझे मेरी शक्ल अच्छे से नहीं दिखा रहा है. अब क्या पता एक्चुअल में बदसूरत है या इसने लैपटॉप में उसको बदसूरत बना दिया, बट आई डोंट नो, बट या प्रॉब्लम दिखा रहा है लैपटॉप मेरा, शायद आप लोगों को भी प्रॉब्लम दिखाता होगा. नो सर. अच्छा तो तेरा मोबाइल या लैपटॉप मुझको सुंदर दिखा रहा है क्या? फिर तो बिगड़ गया तेरा कुछ तो.
केवल केवल मस्का नहीं मारने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन क्लास। इसमें पहले अपने को गिवन डेटा लिखना है। पहली बात ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है तो सबसे पहला गिवन डेटा लिखने का ईएमएफ। ई इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट्स। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, एंड उसमें आपको दो चीजें निकाल लिए। गिवन हो गया टू फाइंड, टू फाइंड दो चीजें निकाल लिए। आयान बोल रहा है कि एचडी दिख रहा है उसके लैपटॉप में। अच्छा तो एचडी में फिर और भी कुछ दिखता रहेगा उल्टा पलटा, अच्छा शक्ल नहीं दिखता एचडी में। ओके नाउ टू फाइंड, टू फाइंड में आपको दो चीजें पूछी है बच्चों, ध्यान से देखना। पहला चीज बोला है कि करंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट एक्टिव, द फर्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड इज मैक्सिमम करंट। नाउ द कंडीशन टू गेट द मैक्सिमम करंट इज हाउ मच, द कंडीशन टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल बी हाउ मच। लीस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम, लॉजिकली ट्रू। टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट द रेजिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम, क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। You can't change internal resistance because its value is already given. So yes, you can modify the external resistance. This is the first question. And the second one ki, can the current drive the motor of a car? Blah, blah, blah. Now direct aage badhte solution pe. Circuit bana rahe, just to avoid the cutting of marks. Marks deduct nahi hocha, isliye bas hai. सर्किट डायग्राम, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अपने को फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल्स टू आई इनटू आर प्लस आर। बेसिक लॉजिक, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। आप लोग यहां पे लिखने के बाद, ये फॉर्मूला मॉडिफाइड होने के बाद फिर लिखने का, द कंडीशन टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करेंट इज द रेजिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम। टू गेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो। तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टली आई मैक्स का कंडीशन क्या रहेगा, आई मैक्स विल बी व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। तो आई मैक्स का फॉर्मूला रहेगा आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। नाउ हियर यू कैन डू द डिवीजन टू की 24 और 380, 19 और 12 और 19 होगा। यस लेट्स डू इट अकॉर्डिंग टू लॉग बुक क्लास, लेट्स डू इट अकॉर्डिंग टू लॉग बुक। ठीक है, आई मैक्स इज ई अपॉन आर। तो आवाज ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है आवाज या वीडियो या दोनों? नहीं सर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। ठीक है चलो बच्चों, आई मैक्स निकालना है, ईएमएफ अपॉन आर। लॉगबुक से जाएंगे हम अभी, ठीक, लॉगबुक से जाएंगे। ईएमएफ दिया है 24 वोल्ट, आर दिया है 380, थोड़ा इसको छोटा बनाना है तो छोटा बनाओ, 24 का छोटा 12 और 380 का 190। नाउ प्लीज गो अकॉर्डिंग टू लॉगबुक। तो यू कैन से यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन, ठीक है, लॉग कैलकुलेशन अगर आप जाओगे तो आएगा लॉग ऑफ 12 माइनस लॉग ऑफ 190। व्हाट इज द लॉग ऑफ 12? लॉग 12 इज हाउ मच? 1.0792। व्हाट इज द लॉग ऑफ 190? 2.2788 तो आपके पास इसका लॉग मिला, इसका लॉग मिला। डू द सब्ट्रैक्शन एंड गिव मी द सब्ट्रैक्शन का वैल्यू। हाउ टू सब्ट्रैक्ट, मैंने पहले सिखाया, जो पॉजिटिव है उसको बड़ा समझना है चाहे जो हो जाए। करो चलो बच्चों, क्या आएगा सब्ट्रैक्शन? माइनस 3.8004। 3 पॉइंट में कैसे आएगा माइनस? मोबाइल से मत कर, रॉन्ग आ जाएगा। 2 बार, हाँ 2 बार पॉइंट। मोबाइल से नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मोबाइल से नेगेटिव नंबर देता है, मतलब ये भी नेगेटिव देता है, अपने को पॉजिटिव चाहिए। देख लो 2 बार 0.8004।
केवल हंस रहा है, बोल रहा है कि कैलकुलेटर एक्जैक्टली वो कैलकुलेटर ना शॉर्ट करता है, वो बार वाले नंबर्स रॉन्ग देता है। कैलकुलेटर के पॉजिटिव नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं, बट बार वाले नंबर्स नहीं पता। बार वाले नंबर्स आप मिल सकता है आपको कैलकुलेटर से, वो प्लस मतलब है बच्चों माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, और माइनस वन मतलब और एफ से आपका छोटा होगा, मतलब स्मॉल बाय वन मोर डिजिट। ठीक है, स्मॉल बाय वन मोर डिजिट। अभी ओरिजिनल एंटीलॉग क्या होता है मैंने आपको सिखाया था, ओरिजिनल एंटीलॉग होता है जीरो पॉइंट समथिंग। नाउ जीरो पॉइंट समथिंग आता है वो चार डिजिट आते हैं, आपका एक से और छोटा होगा क्योंकि माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन। सो योर रियल आंसर विल बी पॉइंट विल शिफ्ट ओवर हियर एंड योर रियल आंसर विल बी दिस नंबर 0.0 एंड दोस फोर डिजिट। नाउ प्लीज जस्ट यूज द एंटीलॉग का टेबल एंड टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 80 में 0 में 4 कितना आता है? 6316। फिर वन माइनस डेसिमल करने का मतलब कि प्रियांशु उसको और एक बार से तू छोटा बनाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 6316। यस, तो आगे आंसर आपका 0.06। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया 0.068। नो प्रॉब्लम, इतना चलता है, डेसिमल के बाद का नंबर देख ले उतना ही बोलते हैं। तो 0.063 इसके आगे का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 0.063 is the amount of the current ampere Imax. This is how we use the log anti-log also in the numerical and ampere answer. And the second answer will be no, it won't be able to drive the motor because the current is very less. Let's move to the next question. Doubt hai kisi ko? No. Let's move ahead. Third question. A battery of EMF and internal resistance is given, is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5, calculate the resistance of the resistor. मेरे ख्याल से integrated वालों को तो खटाक से निकालने आएगा, अपने ऐसा सम किया है। Everyone, क्या करो, rough में circuit diagram बनाओ, एक battery बनाओ EMF का, एक internal resistance बनाओ और एक external resistance बनाओ। And आप लोग को एक ही external resistance दिया है, so small r और big r आपका series में रहेगा। Do it, चलो। EMF का फॉर्मूला E is equals to I into R plus R. E पता है, I पता है, small r पता है, big R नहीं पता। Solve it and find out. And then they have also asked to calculate the terminal voltage of the battery. तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो, but anyway. आयान का डाउट क्या है पता है क्या? Log anti log calculation rough work में करना है या फिर solution में लिखने का? या आयान जब भी तू क्या इसमें सामने से जाएगा ना तो उसी में सामने चाहे तो लिख सकता है, इट इज आवर चॉइस। इफ यू वांट यू कैन कंबाइन इट इन न्यूमेरिकल इटसेल्फ, यहां पे जैसे मैंने किया है लॉग का कैलकुलेशन एंड एंटी लॉग एंड देन आपका डायरेक्ट आंसर। एल्स इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, इफ योर प्रेफरेंस इज टू नॉट डिस्टर्ब द मेन आंसर, यू कैन मेक अ लाइन ओवर हियर, जहां से जैसे लॉग एंटी लॉग आता है उस पॉइंट पे लाइन बना देने का, उतना भी लाइन शिफ्ट चलेगा। यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखा था ये नंबर आई मैक्स इज इक्वल टू 12/190, यहाँ पे लिख सकता है तू log calculation and then you can do everything on the right side also if you want। ठीक है बच्चों, क्लास चलो जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए गिवन डेटा लिखो, डायग्राम बनाओ, कैपिटल R नहीं पता बाकी सब कुछ पता है, मेक द डायग्राम, सेल बनाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाना है, I दिखाना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है वो अपने को वैल्यू नहीं पता। That's it. Use the equation E is equal to I into R plus R. Solve that equation to find out the capital R. चलो 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 हरि ओम, आपको आना चाहिए, मैं तो बताऊंगा ये solution, it's my job, but still आपको आना चाहिए खुद से करने के लिए। तो please everyone draw the figure, write down the given data, चलो quick, मैं तब तक marker में ही भर लेता हूँ, आपको काम दे चुका हूँ, शुरू करो।
सही कहा यार, 8.5 आ रहा है बट टेक्स्ट में डिफरेंट है. फिर सही कुछ मिस्टेक क्या रखा तूने, मॉडिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या रखा तूने, LHS RHS वगैरह को शिफ्ट कर देख ले एक बार, मैं बता देता हूँ कोई दिक्कत. Alright, let's start. So, ये आए कि नहीं आंसर? आएगा 21. अच्छा, क्या मिस्टेक किया था लड़की? चलो क्लास देख लो. जिन लोगों को आंसर नहीं आया, वो लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे. I guess this is fourth question, right? नहीं, third question. क्लास, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या-क्या इनफॉरमेशन दिया है? पहले उस पे ध्यान देना. This is called as a battery. ये बैटरी पूरा का पूरा सिस्टम. बैटरी का EMF दिया है 12 वोल्ट. ठीक है, बैटरी का EMF दिया है 12 वोल्टेज. इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम. और आपको सर्किट का करंट दिया है 0.5 एम्पीयर. ये अननोन रेजिस्टेंस है. ठीक है, गिवन डेटा में सब कुछ लिखने का, मल्टीप्लाई करना भूल गई. अच्छा, तो क्लास ईएमएफ का फॉर्मूला अपने को लगाने के, यहाँ पे देख लो, ईएमएफ दिया आपको 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया आपको 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस राम जाने हैं, वही तो ढूंढना है, एंड द करंट इज 0.5 एम. तो ईएमएफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू आई इनटू आर प्लस आर. इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, यू कैन से हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दिस इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन देयर इज जस्ट वन अननोन. ईएमएफ पता है, आई पता है, स्मॉल आर पता है, बिग आर नहीं पता. नाउ देयर आर टू अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले नंबर डालना है तो नंबर डालो, बाद में मॉडिफाई करो, या पहले मॉडिफाई करो बाद में नंबर डालो, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, आपकी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट आई डू, मेरा प्रेफरेंस आपको बता देता हूं. अगर फॉर्मूला आसान होता है मॉडिफाई करना, तो पहले मॉडिफाई करो बाद में वैल्यू डालो. कुछ फॉर्मूलाज में ट्रिकी रहता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है जब लेंदी लेंदी रहता है. इन दैट केस वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू, वी सिंप्लीफाइड एंड देन वी मॉडिफाई. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आयान कितना मेहनत लगा रहेगा तेरे को वो ओम का सिंबल ढूंढ के निकालने के लिए. तो यहाँ पे मैं इक्वेशन मॉडिफाई मारूंगा, मुझे आर ढूंढना है, तो आई को पहले LHS में भेजो. बाय द वे, आई इज इन द मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो आई गोज हियर विद द डिवीजन का लॉजिक, सो दैट बिकम्स ई बाय आई, और यहाँ पे अकेले बचेगा आर प्लस आर. नाउ वेन यू लुक एट इट, यू विल अंडरस्टैंड की स्मॉल आर इज इन द एडिशन का रिलेशन. तो यू कैन टेक स्मॉल आर विच इज एडिशन, यू कैन टेक टू द LHS, दैट गोज इन टू subtraction. So it will be E by I minus R. अकेले. बहुत बार बच्चों से गलती होती है, whole divided by I लिख देते हैं, गलत हो जाता है. सबसे पहले आपने किसको भेजा भैया, पहले आपने I को भेजा है, तो I division में जाएगा. इनका होने के बाद आप R को भेज रहे हो, तो R अलग से रहेगा. Small R will be equals to capital R. तो E by I minus small R. E is how much 12, I is how much 0.5, minus small R is equals to 3. 12 by 0.5. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2100. आई आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. चौथा सवाल,
अभी आप लोग को पहले डिसाइड करने का है कि कौन से टॉपिक पे बेस्ड है और कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, बाद में आपको इसका आंसर निकाल। द क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट डेंसिटी इज दिस मच, करेंट पर यूनिट एरिया, यूनिट देख लेने का। बहुत बार स्टूडेंट्स को क्या होता है प्रॉब्लम, सर हमको करेंट डेंसिटी पता नहीं क्या होता है। टेंशन नहीं लेने का, करेंट डेंसिटी नहीं ना पता सर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हाँ सेकंड, अरे सॉरी सॉरी माय मिस्टेक है, इसमें हाँ इसमें आपको सेकंड जो क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अभी लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी दो काम दे रहा है, बैटरी जो 12 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज में दो काम करता है, एक इंटरनल लॉसेस एक एक्सटर्नल लॉसेस। बैटरी को ओवरकम जो करना पड़ता है तो इट हैज टू ओवरकम द इंटरनल लॉस एज वेल एज एक्सटर्नल लॉस। तो 12 वोल्टेज में दोनों काम हो रहा है। अभी आप V कैसे निकालोगे भैया, जिधर का लॉस चाहिए वहां का आयर कर दो, जिधर का लॉस चाहिए वहां का आयर कर दो। अगर आपको एक्सटर्नल का लॉस चाहिए तो I इंटू एक्सटर्नल है, अगर आपको इंटरनल का करने का तो I इंटू इंटरनल है, जो अच्छा लगे। ठीक है, 12 वोल्टेज का सप्लाई है तो आप क्या करोगे, I इंटू बिगर अगर आपने किया तो आपको एक्सटर्नल का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, I इंटू स्मॉलर अगर आपने किया तो आपको इंटरनल का वोल्टेज ड्रॉप। मैं I इंटू बिगर लेता हूं, बिगर 21 था, I था 0.5, तो 0.5 इंटू 21 मतलब 21 का आधा, देखो 10.5 आया एक्सटर्नल लॉस, 10.5। इंटरनल लॉस देखो I इंटू स्मॉल r, 0.5 इंटू स्मॉल r 3 विच इज डेढ़, तो देखो इंटरनल लॉस डेढ़, 10.5 और डेढ़ ऐड करोगे तो 12 ही होता है। आए समझ में, तो जो अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। आए समझ में बच्चों, बी वाला पार्ट सर 21 क्यों लिया, क्या बोल रहे हैं मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही क्यों लिया। हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही क्यों लिया, क्योंकि यार सुनना तुझे, अच्छा एक बात बता आदर्श, सुबह सुबह के लेक्चर में था, वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है रेजिस्टेंस के वजह से। यस, अपन ने वो समय याद है मॉर्निंग के सेशन में लिया था, याद है वाला। यस आईआर प्लस आईआर इसलिए। यस ठीक है, ये वाला सर। तो फिर इंटरनल में भी हो रहा है ना, इंटरनल में भी हो रहा है ना। हाँ तो एक काम करना, ठीक है अगर तेरे को एक्सटर्नल का हेडेक नहीं लेने का ना तो इंटरनल का निकाल। चल इंटरनल का फिर कितना लॉस रहेगा वोल्टेज, 1.5 तो टोटल में से फिर डेढ़ उड़ा देना। यस सर, 10.5 ही आएगा। ठीक है, तो जो है मतलब जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड यूज करते। चलो बच्चों अगले सवाल पे ध्यान देते हैं, और आप लोग को पहले ये बताना है कि कौन से टाइप पे बेस्ड है, जिनको डायरेक्टली पूछने का कि कौन से टाइप के ऊपर बेस्ड है वो। एंड जैसा भी डाउट रहे क्लास, बाली से बाली सा डाउट रहे दो, बट टेंशन दो, बिंदास पूछो, जैसा भी डाउट रहे दो। प्रियांशु राइट बोल रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज इन सीरीज तो ऐड कर दो, बराबर। फोर्थ क्वेश्चन दे बच्चों, अभी देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी इन द कॉपर वायर इज दिस मच। करंट डेंसिटी का जिसको नहीं पता वो क्या रहता है, यूनिट तो देख सकते हो, यूनिट दिया आपको एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर इज करंट एंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया, तो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज बाय टाइम, चार्ज कैसे निकालते हैं नाड़े से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करंट डेंसिटी दिया है, लेटर जे होता है उसका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो क्या रहता है क्लास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। यस, नाउ प्लीज टेल मी चार्ज का फॉर्मूला जो नाड़े होता है उसमें जो एन होता है वो स्मॉल एन होता है या बिग एन होता है। स्मॉल एन। क्यू, चार्ज का फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसलिए एन ए एल होता है नाड़े। राइट, नाउ तो आपके पास करंट डेंसिटी दिया है, आपके पास स्मॉल एन दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आपको बोला है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज इज गिवन। टेंशन नहीं लेने का, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है अच्छी बात है, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता रफ में जाने का,
जैसे मैं भी मुझे भी डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं पता, मुझे बस नाड़े पता है, तो मैं क्या करता हूँ रफ पे जाता हूँ। रफ पे जाने का आपने को पहले तो गिवन डेटा देखो कि क्या क्या दिया हुआ है, फोर्थ पर्सन ध्यान से देखो गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, और फिर हम लोग रफ का यूज करेंगे। गिवन में क्या दिया आपको, करंट डेंसिटी, सबसे पहला आपको इन्फॉर्मेशन दिया है करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी लेटर जे दिए कितना, 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये यूनिट अच्छा है कि नहीं, अच्छा यूनिट है कि नहीं, अच्छा यूनिट है कि नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीन ये है कि एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ टेल मी हाउ टू कन्वर्ट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत बच्चों का यहाँ पे मिस्टेक होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाउ टू कन्वर्ट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, उसे क्या करूं, डिवाइड, स्क्वायर भूल गया, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, दिस इज द करंट पर यूनिट अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच विल बी द करंट पर यूनिट मीटर स्क्वायर, मोर और लेस? 500 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कहां पे दो 10⁻⁴, ऊपर दो कि नीचे दो? तो वो 10⁻⁴ ऊपर दो कि नीचे दो? पर सेंटीमीटर है क्या? देखो दिमागी लेगा, देखो दिमागी लेगा, प्लीज ध्यान देना बच्चों। पहली बात, ये वायर था, मान लो आपको यहाँ पे दिया है 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने छोटे एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया, इतने छोटे एरिया पे आपको करंट डेंसिटी दिया है। तो फिर ये बताओ कि अगर आपको पर मीटर स्क्वायर निकालने का, इतने अगर एरिया पे निकालने, तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो करंट डेंसिटी ज्यादा होने के लिए कैसे आंसर निकालने का, तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारने का, क्या करने का, लुक एट द यूनिट शांति से। देखो बच्चों यूनिट क्या है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान देना, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है ना रे, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? 10⁻⁴ करना, 10⁻⁴ करना पड़ता है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे था तो नीचे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए नीचे आएगा 10⁻⁴, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम्पियर। नाउ द नेक्स्ट जॉब इज टू टेक दिस 10⁻⁴ इन द न्यूमरेटर, दिस इज हाउ यू कैन डू विदाउट मगिंग अप, क्या करना है, या एक लॉजिक ये भी आप लोग याद रख सकते हो भैया कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कम रहता है तो कम एरिया पे करंट डेंसिटी विल बी लेस, जब एरिया आप ज्यादा लोगे मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, जब आप मीटर स्क्वायर में जाओगे तो द एरिया बिकम्स मोर सो द करंट मस्ट आल्सो इंक्रीज, आप वो लॉजिक भी ले सकते हो, बट माय प्रेफरेंस वुड बी दिस। सो नाउ यू विल गेट 10⁻⁴ ऊपर लेके गए तो 10⁻⁴ हो जाएगा, सो यू गेट द आंसर 500 × 10⁻⁴ एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁶ एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द करंट डेंसिटी, कन्वर्ट कर दिया अपन, क्लियर है? अभी आपको एग्जाम में इतना दुनिया भर का स्टेप नहीं करने का, डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो, कोई नहीं पूछेगा। तो करंट डेंसिटी मिल गया, और डेटा देखो, सही राइट, 10⁻⁴ रहेगा राइट, नीचे -4 देने का, क्योंकि जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बच्चों वहां पे मीटर स्क्वायर बना, जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर था वहां पे मीटर स्क्वायर बनाने, ठीक है? अभी ये काम तो हो गया, अगला डिटेल देखो, अगला डेटा क्या दिया, स्मॉल एन दिया है, स्मॉल एन दिया है राइट, ये पहला डेटा दिया था। अब दूसरा डेटा देखो, स्मॉल एन दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 8.47 × 10⁻²² पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 8.47 × 10⁻²² पर सेंटीमीटर क्यूब, प्लीज टेल मी हाउ टू कन्वर्ट इट इन टू मीटर क्यूब। ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब विल बी मोर और लेस? मोर, ऑब्वियसली मोर। अभी नाउ प्लीज यूज योर ब्रेन्स, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब अगर बनाने का, अभी ये छोड़ दो मैं बस इतना पूछ रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब बनाने का है तो क्या
लगेगा करने के लिए? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाने का है तो क्या लगेगा? प्रियांशु सिर्फ मल्टीप्लाई क्या बोल रहा है, ये बता मेरे को, सेंटीमीटर क्यूब को मेरे को मीटर क्यूब बनाने का है क्या करना पड़ेगा? 10^-6 से मल्टीप्लाई। राइट, 10^-6 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। पर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। यस, तो यहाँ पे आएगा 8.47 × 10^22। नीचे सेंटीमीटर क्यूब है तो 10^-6 तो आ जाएगा पर मीटर क्यूब। अब 10^-6 ऊपर लेके जाओ तो 10^+6 हो जाएगा। दिस इज द कन्वर्जन। पहले तो कन्वर्जन सीख लो भैया, फाइनल आंसर निकालना बाद में सीखना। फाइनल आंसर आप लोग तो 12th में भी निकालते बैठे हो, बट 12th में मैं कन्वर्जन नहीं सिखा पाऊंगा, तो कन्वर्जन सभी याद रखने का। तो ये पूरा सम रब करके अब मैं सिर्फ यूनिट्स ही बदल के लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत वेस्ट हो रहा है। और जिनको ये लॉजिक अच्छा लग रहा है एटलीस्ट मोर या लेस, वो लॉजिक भी यूज आप लोग चाहे तो कर सकते हो। तो लेट्स राइट डाउन गिवन डेटा। करंट डेंसिटी जे 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Write down J is equals to 500 × 10^4 क्योंकि नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर का, नीचे मीटर स्क्वायर के लिए -4, नीचे का -4 ऊपर जाके हो जाएगा +4, इसके बाद 2 जीरो है और +4 था तो 6 जीरो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ पे किसी को शक नहीं रहेगा या डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट जॉब था करेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया है स्मॉल है, विच इज इक्वल टू 8.47 × 10^22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब तो पर मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 8.47 × 10^22 राइट, नीचे मीटर क्यूब जाएगा पर मीटर क्यूब 10^-6 और 10^-6 डायरेक्ट लिमिट्स कर देने का बिना समय वेस्ट किए, तो 10^28 पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये भी हो गया, एन भी हो गया। तो पहला डेटा हो गया, दूसरा डेटा हो गया और आपके पास दिया है चार्ज, चार्ज दिया है 1.6 × 10^-19 कूलम, ये तो आपको रट्टा हो जाना चाहिए। नाउ ये सब दिया है, टू फाइंड क्या बोला बच्चों, टू फाइंड क्या बोला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। यस, क्या लॉजिक लगाएंगे अभी रफ बताओ, रफ में कैसे जाने का रफ में? NALE. Yes. क्योंकि यहाँ पे कौन सा डेटा है जिसका फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ऑलमोस्ट नहीं फॉर्मूला, चार्ज का नहीं फॉर्मूला, तो बचा बस ये ड्रिफ्ट स्पीड। और ड्रिफ्ट स्पीड का आपके पास अपने दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए, ड्रिफ्ट स्पीड इज नथिंग बट करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, और करंट का के साथ आपने को पता है चार्ज अपॉन टाइम, और जैसे चार्ज आ गया वैसे ही नाले आ जाए। तो ये होता है लॉजिक टू अंडरस्टैंड। हाँ सही, सही का भी एक डाउट है, डायरेक्ट वीडी क्यों नहीं ले सकते, बिंदास ले सकते सही, मैं बस उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको अगर फॉर्मूला मान लो कि कभी भूल गए बैड लक के वजह, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के प्रेशर के वजह से आप लोग फॉर्मूला भूल गए, तो एक फॉर्मूला याद रहता बेसिक, उससे अपन ढूंढ सकते। इसलिए इफ यू डू नो द डायरेक्ट फॉर्मूला ग्रेट, आप लोग डायरेक्टली डाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो रफ में जाने का चार्ज का फॉर्मूला होता है नाले, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, तो नाले बाय टाइम एंड डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी, तो करंट इज इक्वल टू एन ए वी ई, आपको वी चाहिए, एन इधर, ए इधर, ई इधर, तो आई अपॉन एन ए ई विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड, करंट अपॉन एरिया इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी, जे अपॉन एन ई विल बी इक्वल टू बी डी। ये भी फॉर्मूला आपके आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिए, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सीधा यूज करो, जिसको नहीं पता ना यूज। You can, if you want, you can derive it in the solution also. If you don't, you can directly use the formula. क्योंकि अगर textbook में direct formula दिया है, तो आप लोग इस्तेमाल वो कर सकते हो। तो drift speed का मिल गया। चलो जल्दी से solution पे जाएंगे। देखते logbook लगेगा कि नहीं यहाँ पे। Drift speed का formula, current density upon number of electrons into charge of each electron. Current density 8.47 × 10^28. Sorry, मैंने end लिख दिया वो. करंट डेंसिटी 5 × 10^6 नीचे n है, n is 8.47 × 10^28
इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 9। लॉग बुक लगेगा यूज करने के लिए, पहले पावर मॉडिफाई करो, ठीक, नंबर्स अलग लिख दो, 5 अलग, 8.47 और 1.6 अलग, 5 अलग, 8.47 और 1.6 अलग। अब सिर्फ 10 का पावर बचाने का है, 10 का पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 28 में से 19 गया, कितना बचेगा, 9, वो 9 ऊपर लेके गए, माइनस 9, माइनस 3, माइनस 3, तो 10 रेस टू माइनस 3, राइट। नाउ सुन लो, और एक बात बताना है बच्चों मुझे, जिन लोगों को ये लॉग लेने के टाइम पे निगेटिव वाला 10 रेस टू माइनस 3 माइनस 4 वगैरह अगर दिमाग में जाता है, तो क्या करने का, इसको अलग रख देने का, डोंट वरी, ऐसा भी आप लोग चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार अभी स्टूडेंट्स देखो ना, जब आप लॉग लोगे तो इसका लॉग फिर कितना आएगा, क्लास 10 रेस टू माइनस 3 का लॉग कितना आएगा, माइनस 3, तो माइनस 3, माइनस 3 की वजह से आपका लॉगरिथम जो पूरा वैल्यू आएगा, ये 5 ऑलरेडी इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट 8 और 1.6 ऑलमोस्ट 12 आएगा, 12 13 आएगा, तो 13 वैल्यू, ये 5/13 विच विल बी 0. समथिंग, वो 0. समथिंग और 10 रेस टू माइनस 3 बहुत ही छोटा नंबर आएगा, बार में 4 बार में आएगा। तो जिनको वैसे सॉल्व करना दिमाग को तकलीफ लगता है, टेंशन नहीं लेने का, इसको बाजू में रखने का और लॉग बुक यूज करने का सिर्फ इन नंबर्स के साथ, ठीक है। तो चलो क्लास, जिनको उतना हेडेक नहीं लेने का, बस इनका लॉग एंटी लॉग निकाल के आंसर बताओ। चलो चलो चलो, डू इट अकॉर्डिंग टू लॉग एंटी लॉग, कैलकुलेटर से तो आ ही जाएगा, लॉग एंटी लॉग से करो। चलो, वो पावर का हाथ मत लगाओ अगर आपको इतना हेडेक रहता है, ये 10 रेस टू माइनस 3 का, इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्टली लॉग के कैलकुलेशन पे जाओ। लॉग 5 माइनस लॉग ऑफ 8.47 वापस माइनस लॉग ऑफ 1.6, सारे नीचे नंबर्स नेगेटिव, लॉग 5 का 0. समथिंग माइनस इसका भी 0. समथिंग माइनस इसका भी 0. समथिंग। चलो जल्दी से लॉग निकालो और बताओ। राइट, सही सही सही, जब भी तेरा ऐसा आता है ना 4 बार पॉइंट, तो 4 बार मतलब माइनस 4 अपना प्लस 1 इज माइनस 3, तो उसको 10 रेस टू माइनस 3 लिख, उसको उसको शिफ्ट मत कर क्योंकि बहुत ही छोटा है, इसलिए वही वही प्रॉब्लम आने से अच्छा है इसको हटा दे और बस इस पे फोकस कर। तो बच्चों चलो, लॉग एंटी लॉग निकाल के आंसर निकालो। कितना आएगा बच्चों 5 का लॉग? 6990। 8.47 का? 9279। मतलब 84 में देखने का है, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि आप 47 में देखोगे, डॉट हटा के भूल के देखने का सब। 84 में 7 माइनस 1.6 का कितना आएगा? 2041। 2041 मतलब कि 16 में 0 में देखने का, ठीक है, मिस्टेक मत करना। अभी ये दोनों नेगेटिव इनको ऐड कर दो, दोनों नेगेटिव इनको ऐड कर दो, तो ये ऐसे ही रखो, 0.6990 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 9.132 7842 you have to subtract it। तो 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5, 0 माइनस 1 इज 1 बार। बच्चों 1 बार का मतलब क्या होता है? 0 पॉइंट। राइट, नो शिफ्ट। 1 बार का मतलब होता है माइनस 1 एंड प्लस 1 मतलब 0 पॉइंट, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? आपका फाइनल आंसर आएगा 0 पॉइंट। चलो एंटी लॉग निकालो जल्दी। और वो 10 रेस टू माइनस 3 ऐसे ही रखा मैंने, उसका मेरे को टेंशन नहीं था। 3690 कितना है बच्चों? 3690 3690 तो 0.3690 मीटर पर सेकंड। अभी आपके टेक्स्ट बुक में देखो, उन लोग ने दिया कि 3 पॉइंट, तो उन लोग ने क्या किया, और एक 10 का हेल्प ले लिया, तो आपने और एक लोन लिया, तो 10 रेस टू माइनस 4 आ गया। हमारा भी आंसर राइट है, उनका भी आंसर राइट है, उन्होंने पॉइंट को एक से
शिफ्ट कर दिया 3.69 × 10⁻¹। आया समझ में बच्चों? सर अगर 4 बार रहता तो 2×10⁻³ आता डायरेक्ट। हाँ लेकिन ओरिजिनल एंटीलॉक क्या आता? 0 पॉइंट में आता ना? यस सर। बिकॉज अगर तुम शिफ्ट नहीं फिर कर रहे हो, मतलब आप ओरिजिनल आंसर के बाद ये लिख रहे हो इंटू टेन रेस टू जो भी था, तो इसका एक्चुअल आंसर ही आता जब आप लॉग निकालते हैं और एंटीलॉग से पहले अगर आप जाते हैं और अगर आप इसको मिक्स भी करते हैं यहाँ पे तो आता 4 बार 0.5670 आता। अब ये 4 बार आपको क्या बताता है? तो दैट मीन इसको शिफ्ट नहीं करने का क्योंकि बहुत ही ज्यादा ही छोटा नंबर आ जाता है। तो अगर शिफ्ट नहीं कर रहे हो तो ओरिजिनल आंसर क्या आता? मैं आपको पहले 0 पॉइंट, और वो शिफ्ट नहीं किया मैंने, अलग से लिख दिया। तो आई होप सबको समझ में आएगा आज का सेशन। कल हम लोग मिलेंगे, यही सम्स को आगे बढ़ाएंगे। कल मेरे ख्याल से चैप्टर नहीं होगा, देखेंगे जब भी होगा। चलो बाय क्लास।